हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज मैं आपके लिए एक स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम एकदम आसान विधि से कद्दू का हलवा बनाएंगे और इस हलवे को आप व्रत या उपवास में भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यदि आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पर मैंने 1 किलो कद्दू लिया है और यहाँ मैंने पका हुआ कद्दू लिया है। ये हलवा बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसका मैंने छिलका निकाल लिया है और ऊपर के बीज भी हमने निकाल लिए हैं। इसको हम अब कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस करने से ये जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर एक कढ़ाई रखकर हमने गैस ऑन कर ली है और इसमें हम डालेंगे घी। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ घी डाला है। घी को मेल्ट होने देते हैं। इसमें अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और थोड़े से मैंने यहाँ पे काजू डाले हैं और इनको हम 15 से 20 सेकंड तक भूनकर निकाल लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, मीडियम गर्म घी में हम इसे 15 से 20 सेकंड ही फ्राई करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हम निकाल लेते हैं। अब इसी गर्म घी में हमारा जो कद्दूकस किया हुआ कद्दू है इसको हम डालेंगे और इसे थोड़ा सा हम चला लेते हैं। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाता है और इसका थोड़ा सा पानी ना सूख जाए। तो इसको हम ढककर पकने देंगे। कम से कम 10 मिनट हमें इसे पकने देना है, जिससे थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, कद्दू जो है वो अच्छे से पक चुका है और बहुत सॉफ्ट हो गया है, उसका रंग भी अच्छा लग रहा है। यदि आप इसका थोड़ा सा डार्क रंग चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा कलर फूड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया है क्योंकि इसका कलर अभी भी अच्छा लग रहा है। और हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी। मैंने यहाँ 1 किलो कद्दू में 1/2 कप चीनी डाली है, लगभग 150 ग्राम। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आप चीनी की मात्रा को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम पकने देंगे, जब तक इसका थोड़ा पानी ना। इसे हम ढक देते हैं। जब तक हमने हलवे को पकने के लिए रखा है, तब तक हम यहाँ पर मावा फ्राई कर लेंगे। तो एक कढ़ाई रखकर मैंने यहाँ पर गैस ऑन करेंगे और मीडियम हीट पर मावा हम फ्राई करेंगे। मावा को 2 से 3 मिनट ही भूनना है, जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो है ऑयल ऊपर ना दिखने लगे। तो देखिए, हमारा मावा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम हलवे में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने मावा हलवे में मिक्स कर लिया है और इसे अच्छे से चला लेते हैं। मावा डालने के बाद हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। ड्राई फ्रूट्स भी हम साथ ही साथ ऐड कर देते हैं और इसे हम 5 मिनट पकने देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हलवा थोड़ा सा और कंसिस्टेंसी की और थोड़ी सी ड्राई हो तो आप इसको और पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इतना ही रखा है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप व्रत और उपवास में भी ले सकते हैं। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स करके अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।